रबड़ होती वो ही खा गया भाई। आज तो बहुत गलत सीन हो गया, जैसे कि हम प्रेम मंदिर से निकले राधे राधे बोल मना। तो फाइनली अभी 5:15 हो चुके हैं, लगभग अब निकलेंगे हम पहले निधिवन के लिए, क्योंकि मतलब ऐसे तो खुले ही रहते हैं, लेकिन अब 5:30 बजे धीरे धीरे सारे मंदिर खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अब पहले हम सोच रहे कि पहले निधिवन जाएँ, फिर वहाँ से जाएँ हम स्नेह बिहारी मंदिर, और फिर वहाँ से जाएंगे बाकी प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल। तो ये सभी प्लान है, 9 बजे तक फिर सारे बंद होते, फिर वापसी होटल पर आ जाएंगे। फिर सुबह सुबह अब देखेंगे कहाँ पे जाएँ, क्योंकि कल 8 बजे मतलब 10 बजे की ट्रेन है, तो अब 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे पहले। तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं निधिवन, जैसे कि देख सकते हो बंदर ऊपर ही है। भगवान नीचे नहीं आ पाए, 8 बजे के बाद एक बंदर कोई देगा नहीं, जो रात को ले जाता पागल ले जाता नहीं। मता दे को गुलामी करो, क्योंकि राधा के गुलाम है बिहारी जी, राधा के गुलाम है, हर चीज की राधा ही हमन करो, तो प्रणाम करो, आदया से मारो आगे। तो अभी निधिवन के भी फाइनली अभी दर्शन पूरे हो चुके हैं, अभी यहाँ से सोच रहे कि अभी कहाँ जाए, क्योंकि लेट हो गया था निकलने में, और अभी सोच रहे कि राधा वल्लभ या फिर राधा रमण हम जाएंगे। फाइनली अभी राधा रमण मंदिर पहुँच चुके हैं, जल्दी से यहाँ पे दर्शन करते हैं, फिर जल्दी अगले मंदिर चलते हैं, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। एक दिन ब्लॉक करना मुश्किल होता है क्योंकि बंदर होते हैं आसपास। फाइनली अभी हम राधा वल्लभ मंदिर आए हुए, राधा रमन जी के इतने खुले दर्शन हुए, बहुत भव्य दर्शन। देखो अभी अभी मंदिर में चश्मा ले गया, और इसकी जो रबड़ होती है वो ही खा गया, मतलब छोड़ी तक नहीं, वो खा ही गया वहाँ पे आसपास। भाई साहब अभी चुप रही है, पंडित जी बोलो राधा।
मतलब प्यारे दर्शन दे रहे हैं। आज इन्होंने झूला लगाया और झूला सेवा यहाँ पे हो रही है और काफी बढ़िया श्रृंगार किया हुआ है। सब भीड़ देख रहे हैं यहाँ, कितनी भीड़ आई हुई है। इधर से उल्टा आ रहे हैं हम, अच्छा तब जाल में से कहाँ से आ रहे हैं। तो अभी हम आए राजस्थान में बिहारी मंदिर, तो फाइनली अभी हम गोपेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले हम प्रेम मंदिर आए हैं क्योंकि ये अभी 8:30 बंद हो जाता है। तो उससे पहले हम यहाँ पे दर्शन करने का अगर टाइम बचता है तो 9:00 बंद होता है गोपेश्वर महादेव मंदिर, तो फिर वहाँ पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि आज दर्शन हो भी पाएंगे नहीं। बाकी अब देख रहे हमने बाहर से दर्शन कर लिए क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हुई थी और टाइम ज़्यादा लग जाता था, इसलिए हमने ज़्यादा टाइम लगाया नहीं और गोपेश्वर महादेव मंदिर चलते चलते। बहुत जैसे कि आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रेम मंदिर रात को, मतलब मेन तो लोग लाइटिंग की वजह से आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े तो घूम तो पाएंगे नहीं। और अभी जो मतलब आज कुछ चप्पल कहाँ गई यार, फिर से गई चप्पल बाहर चलते, भीड़ काफ़ी बढ़ती रही है और अब कोशिश करेंगे कि गोपेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन हो जाए क्योंकि आज मतलब कोई तिथि है जो हर 19 साल बाद आती है, तो कोशिश करेंगे कि आज जल चढ़ा दें महादेव पर। अब कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, हां कैसे धारूंगी। और जैसे हम मंदिर में गए मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर हम बाहर आ गए थे। अब
भीड़ के चक्कर में बहुत टाइम भाई आज तो बहुत गलत सीन हो गया। जैसे कि हम प्रेम मंदिर से निकले, जाम लग रहा था, मेरे को लगा था कि मतलब चलते चलते हम पहुंच जाएंगे, लेकिन रिक्शा से क्योंकि जाम लग रहा था फालतू में टाइम वेस्ट होता भाई। गूगल मैप ने कहीं उल्टा ही दिखा दिया और कहीं हम आधा घंटा चल के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में कहीं पहुँच गए, और फिर वहाँ से बड़ी मुश्किल से किसी सुनसान रोड से फिर हमने रिक्शा के 100 रुपये डाले, फिर अब इस जगह पर आके रुके। ऊपर से हमारे पास कैश भी नहीं था, ऑनलाइन वो लेता नहीं था, तो फिर बड़ी मुश्किल से एक भाई दोस्त मिला कोई, उसने काफ़ी मदद कर दी अपने, मतलब उसने तो पहले मना कर दिया, तो फिर अपने वो दोस्त को लेके आए हम, तो फिर उसने काफ़ी मदद करी। तो फाइनली भाई एक घंटा बर्बाद करने के बाद भटकते भटकते सुनसान रोड पे पहुँच ही गए हैं। अब भैया पैर घुटनों में इतना तेज़ दर्द हो रहा है, बस पूछ नहीं मत। अब जल्दी से रेस्टोरेंट चल के कुछ खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और दर्द भी हो रहा है पैरों में।